हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने पॉली बैग से DIY करके एक फेस मास्क बनाया है, जो कि जो सिचुएशन हमारे वर्ल्ड में चल रही है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेस मास्क पहने। और बाज़ारों में इस टाइम ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये मैंने उनके लिए सोचा है, क्योंकि मैं जब खुद परचेज करने गई थी तो मुझे 120 का एक फेस मास्क मिला, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कैसे इसे यूज़ करेगा। तो फिर मैंने ये कुछ सोचा है कि लोगों के लिए हेल्प हो जाए। और गाइज, प्रे कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, दुआएं कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में रह सकते हैं और एटलीस्ट हम दुआएं तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और घर में रहिए और सेफ रहिए। मैंने ये एक पॉली बैग लिया है जो कि नीट एंड क्लीन है। आपको ध्यान रखना है कि ये यूज़ करा हुआ ना हो। और तो मैं इसकी सबसे पहले किनारी निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं हाफ हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ। ऐसे हमें आधा आधा इंच पर ऐसे निशान लगाना है। और अब इन निशानों को मैं ऐसे मिला दूंगी आपस में। तो ये जो इसकी किनारी होगी ये हम निकाल देंगे। आप इसी तरह से इसे कपड़े पर भी बना सकते हैं, तो वो वॉशेबल भी होगा, आप उसे रीयूज भी कर सकते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 9 इंच रखी है, और जिसकी ब्रेथ है या चौड़ाई वो मैंने 6 इंच रखी है। तो हम 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए, इन दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला लेना है आपस में, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर दी है, और अब ये यहां से जुड़ा हुआ है। मैं इसको भी कट कर कर दो पीस में कर लेंगे हम इसको। ये देखिए, अब इसके लिए हमें एक इलास्टिक चाहिए होगी पतली वाली, तो ये मैंने पतली वाली इलास्टिक ली है। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। बच्चों के लिए आपको बनाना है तो आप छोटा बनाएंगे इसे। जो इलास्टिक है मैंने उसकी लंबाई जो रखी है वो 7 इंच रखी है, क्योंकि हाफ हाफ इंच तो हमारा मार्जिन में ही चला जाएगा। तो ये देखिए, हमें दो इलास्टिक चाहिए होंगी इसके लिए। 7 7 इंच की मैंने दो इलास्टिक काट ली हैं। अब हम इन इलास्टिक को ऐसे हमें यहाँ पर इन दोनों साइड हमें इसको सिलना है, और इस वाली को ऐसे इन इन दोनों साइड पर। ये देखिए, इन दोनों साइड्स पे हमें यहाँ पर इसको सिलना है, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रख देंगे, दूसरा वाला जो हमने कट किया था, और उस पर हम ऐसे चारों साइड ऐसे सिलाई लगाएंगे। और जब इस साइड हम सिलाई लगाएंगे तो हम उसको बीच में थोड़ा सा छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें पलट कर, तो इसलिए हमें इसको यहाँ से छोड़ना है थोड़ा सा। तो चलिए अब हम सिलाई शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इलास्टिक अटैच कर लेती हूँ, इलास्टिक जोड़ लेती हूँ किनारे पर। इलास्टिक जोड़नी है और हमें पक्का भी करना है। अब दूसरी साइड हम फिर से इलास्टिक जोड़ेंगे। आप इसे कॉटन के कपड़े से बनाइएगा तो फिर आप इसे धो भी सकते हैं और दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों साइड हमारे ये जुड़ चुका है, इलास्टिक हमारी जुड़ चुकी है दोनों साइड। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। ऐसे हमें इसको ऊपर रखना है, और अब चारों साइड से हमें इसकी सिलाई करनी है। अब हम इस पर सिलाई करना शुरू करेंगे। सिलाई आपको छोटी और सीधी लगानी है। ये देखिए, हमारी 3 साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम ये चौथी साइड सिलाई लगा रहे हैं, तो ये मैं इसको इतना ही सिल लूँगी। ये देखिए, मैंने बीच में गैप छोड़ दिया, और अब यहाँ पर इतना छोड़कर मैं यहाँ से सिलना शुरू करूँगी। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे।
ये देखिए हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगाना है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए और इसकी इलास्टिक निकले ना और ये अच्छे से बैठ जाए। तो चारों साइड बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। और अब ये चौथी साइड है जो हमें सिलनी थी, जो हमने खुली छोड़ी थी, तो इसको हम ऐसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर अच्छे से सिलाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे, अब चारों साइड से हमारी इसकी सिलाई हो चुकी है। ये देखो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और अपने नेल से ही हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और अब इस साइड से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और अब इस साइड से भी हम बीच वाले निशान तक ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इसमें हम तीन निशान लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हमें तीन निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को हम ऐसे उठा देंगे ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ पर निशान है। और अब हम उसी के हिसाब से ऐसे प्लेट्स डालना शुरू करेंगे इस पर ताकि हमारी प्लेट्स बराबर आएं। ये देखिए ऐसे, और इन प्लेट्स पर हमें सिलाई करते जाना है। और अब दूसरी साइड से भी हम इन प्लेट्स को ऐसे ही बिठा लेंगे। और अब इस पर हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमारा मास्क बनकर तैयार है, कुछ ऐसे दिखेगा ये। आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और गाइस स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए और दुआएं कीजिए कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।